दाऊद इब्राहिम कास्कर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी कहां रहता है, कहां पर छिपा है, यह हर कोई जानना चाहता है और सुरक्षा एजेंसियां भी इसी में लगी हुई है कि उसके घर का पता मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि दाऊद इब्राहिम अब भी पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान अब उसे सेफ हाउस में भी रखता है। इस बात के सबूत कई बार हाथ लग चुके हैं कि दाऊद जो है वो कराची के, पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन में, ये एक इलाका है क्लिफ्टन जिसको मैं अगर क्लिक करूं तो क्लिफ्टन में, यहां पे मैं जाऊंगी क्लिफ्टन के ब्लॉक 4 में, ये आप क्लिफ्टन वाला इलाका देख रहे हैं, क्लिफ्टन के ही ब्लॉक 4 के इलाके में D13 में उसका पता है और वो वहां रहता है। ये वो जगह है बड़ा अंडा आइलैंड और ये जो छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं इनके ऊपर अभी दाऊद का सेफ हाउस बनाया गया है और उसे वहां पर छुपा कर रखा जाता है। जब भी कोई इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पे बनता हो या फिर भारत की तरफ से जब दबाव बनाया जाता है तो उसे यहां पर पाकिस्तान एकदम सेफ हाउस में रखने की कोशिश करता है। सैटेलाइट के जरिए देखिए, ये वही कोस्ट है, सी कोस्ट, जहां पर अंदर टापू है और इस टापू के अंदर किस तरह से इस जगह पर दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा गया है, मोस्ट वांटेड आतंकी को छिपा कर रखा गया है। कराची के क्लिफ्टन के अलावा बड़ा अंडा दाऊद का ऐसा ठिकाना है जिसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी ज्यादा नहीं पता था। यह ताजा तरीन खुलासा तब हुआ जब दाऊद के खजांची फारूक टकला को यूएई से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। जांच एजेंसियों के सामने अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर टकला ने जो खुलासे किए वो बेहद सनसनीखेज हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के गुर्गे फारूक टकला ने बताया कि क्लिफ्टन वाले बंगले में दाऊद की सुरक्षा पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं। ऐसा तब होता है जब पाकिस्तान में किसी इंटरनेशनल लीडर का दौरा होता है या दाऊद पर भारत सरकार का दबाव पड़ता है तो डॉन को क्लिफ्टन वाले बंगले से शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉन को कराची के पास अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सेफ हाउस में भेज दिया जाता है। डॉन के लिए ये सेफ हाउस बड़ा अंडा के आसपास है जहां दाऊद के अलावा उसकी पत्नी महजबीन रहती है। डॉन और उसकी पत्नी के अलावा किसी दूसरे को इस सेफ हाउस में रहने की इजाजत नहीं होती। पाकिस्तान भले इस बात से इनकार करे कि डॉन का डेरा कराची या पाकिस्तान की दूसरी जगहों पर नहीं है, लेकिन दाऊद के गुर्गे का सनसनीखेज खुलासा पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खोल देता है। पाकिस्तान न सिर्फ डॉन को सुरक्षित ठिकाना मुहैया करवाता है बल्कि अंडा द्वीप पर डॉन को पाकिस्तान का सैटेलाइट फोन भी मुहैया करवाता है। इस सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तानी अधिकारी खास फ्रीक्वेंसी पर उससे संपर्क करते हैं। इसके अलावा डॉन के अंडा द्वीप पर रहने के दौरान पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड सुरक्षा में तैनात होते हैं। कोस्ट गार्ड का जहाज 24 घंटे सेफ हाउस के चारों तरफ पेट्रोलिंग करता है। इमरजेंसी में अंडा द्वीप से दाऊद के भागने का भी इंतजाम है जिसके लिए पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड का खास स्पीड बोट ना खुदा तैयार रहता है। यह स्पीड बोट ऐसी है जिसमें अंडा द्वीप से 5 से 6 घंटे के भीतर दाऊद दुबई तक पहुंच सकता है। हैरत अंगेज है कि मुंबई में दाऊद के इलाके को भी नाखुदा मोहल्ला कहते हैं और अंडा द्वीप में उसके लिए तैनात स्पीड बोट का नाम भी नाखुदा ही है। तो किस तरह से रखा जा रहा है दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में, इसका हमने बड़ा खुलासा किया है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान क्यों बार बार छुपाता है और किस तरह हम दाऊद इब्राहिम तक, यानी भारत दाऊद इब्राहिम तक पहुंच सकता है, उसकी क्या क्या कोशिशें की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ उज्ज्वल निकम मौजूद हैं जिन्हें आप जानते हैं, देश के जाने माने सरकारी वकील हैं, 1993 बम धमाके केस में आरोपियों को सजा दिला चुके हैं। इसके अलावा कई और हाई प्रोफाइल केस जिसमें आतंकवादियों से जुड़े कई मामले शामिल हैं उसमें भी वो सरकारी वकील रहे हैं। उज्ज्वल निकम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम क्योंकि दाऊद इब्राहिम पर बात कर रहे हैं और 1993 बम धमाकों का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी है
दाऊद इब्राहिम। और ये अब नया खुलासा हुआ है जिसमें जानकारी मिल रही है कि किस तरह से क्लिफ्टन से शिफ्ट किया जाता है दाऊद इब्राहिम को और सेफ हाउस में रखा जाता है जो अंडा द्वीप है कराची के पास बना वहां पर। तो इस जानकारी के बारे में क्या पहले से कोई और जानकारी मौजूद थी कि इस तरह से उसे छिपाया जाता है? हालांकि ये जानकारी तो थी कि सेफ हाउसेस बदले जाते हैं, लेकिन खास जगह का पता लगने से क्या हमें कोई मदद मिल सकती है? देखिए, दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन में रहता है ये शायद इसके बारे में सबको पता है, लेकिन आज जिसका आप खुलासा किया है कि जिस स्पेशल सेल में वो रहता है, शायद मुझे तो इसके बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो आपने आज चैनल पर जो न्यूज़ बताई है और जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये अहम जानकारी है। और जो भी अभी जो उसका रिसेंटली जिसको अरेस्ट किया गया है फारूक टकला को, उसने भी कई ऐसी जानकारी हमारी एजेंसीज को शायद दी होगी कि जिसके आधार पर हमारी एजेंसीज ये तय करेंगी कि पाकिस्तान की क्या मंसूबे रहे, पाकिस्तान किस तरह से दाऊद का पता क्यों छिपा रही है और किस तरह से छिपा रही है। मुझे लगता है कि आपकी जानकारी बहुत अहम जानकारी है, ताकि इसके लिए हमारी एजेंसीज भी इसका इस्तेमाल कर सकती है और देखना है कि आगे चल के क्या होता है। जी, क्योंकि जो ये जानकारी सामने आई है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है पाकिस्तान में, या तब जब भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है या इस बात का जिक्र करता है कि किस तरह से क्लिफ्टन में छिपा कर रखा गया है दाऊद इब्राहिम को, उस समय पर पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाता है दाऊद इब्राहिम को, और जो पाकिस्तान में कराची से लगते हुए छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें अंडा कहा जाता है, वहां पर एक सेफ हाउस बनाया गया है, वहां पर दाऊद इब्राहिम को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या रणनीति है पाकिस्तान की और इससे उसको क्या सफलता हासिल होती है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि दाऊद इब्राहिम पर दुनिया की नजर आए और ये साबित हो कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, जिसके सबूत बार बार भारत देता है। पाकिस्तान की नीति बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान कह रहा है कि दाऊद हमारे देश में नहीं रहता है। हम जरूर कहते हैं कि दाऊद एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट करके जाहिर कर दिया, घोषित कर दिया। अमेरिका ने भी मान लिया है कि दाऊद इब्राहिम भारत में किस तरह से आतंकवादियों को गतिविधियां देता है। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट जो केस मैंने चलाई, उस केस में भी ये साबित हो गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट के पहले दुबई में एक जो मीटिंग हुई थी उसमें दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम लोगों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद कुछ अभियुक्तों को पाकिस्तान में भेजा गया था, वहाँ उनको जो पासपोर्ट्स है वहाँ उस पर एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन ठप्पा नहीं लगाया था, ये जानबूझकर पाकिस्तान से हुआ था। और इसीलिए जिसकी वजह से, जिसकी मदद से 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो आरडीएक्स लाया गया, जो स्मगलिंग चैनल दाऊद इब्राहिम का यूज किया गया, उससे 12 मार्च 93 को बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ये बात अभी जुडिशियल भी फाइंडिंग हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इसे नकार रहा है, इसलिए नकार रहा है कि पाकिस्तान को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम उसके लिए बहुत एक अच्छी कड़ी है और किसी भी हालत में वो दाऊद को एक्सपोज नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि दाऊद को अगर उसे पकड़ा गया तो शायद उनकी और कुछ पोल खुल सकती है। और इसलिए उनका एक हर कोशिश रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा कभी भी छिपाया जाए, इसलिए उसे तना दे रहे जी। क्योंकि अगर दाऊद इब्राहिम एक्सपोज होता है और दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक्सपोज होता है और पाकिस्तान की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगी दाऊद इब्राहिम को एक्सपोज होने से। इस वजह से भी इस तरह की पूरी कवायद की जाती है कि किस तरह से उसे रखा जाएगा एक खास द्वीप पर, वहां पर कोस्ट गार्ड रहते हैं, वहां पर एक बोट तैनात रहती है। इस तरह की तमाम जानकारियां फारूक टकला ने भी दी हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। देखिए, मुझे लगता है कि फारूक टकला एक ऐसी कड़ी है कि जिसके पास 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में एक स्पेशल जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो बंबई से जो आरोपी गए थे, अभियुक्त गए थे, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, और दुबई से जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गए थे उनके लिए भी उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दाऊद टकला एक ऐसी कड़ी है
कि जिस कड़ी के आधार पर हमें और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जांच एजेंसी भी उसको इंट्रोगेट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती होगी, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम दुनिया के सामने और पाकिस्तान का असली चेहरा खुल सकते हैं। फारूक टकला को अब आरोपी बनाया गया 1993 बम धमाके के केस में भी, जिसमें कि मोस्ट वांटेड है ऑलरेडी दाऊद इब्राहिम। फारूक टकला से आपको क्या लगता है 93 बम धमाके से जुड़ी और क्या क्या जानकारियां उससे मिल सकती हैं, और दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या और खास जानकारी फारूक टकला से मिल सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि फारूक टकला, ये जो अनीस इब्राहिम, इनका खासों खास आदमी था। दाऊद इब्राहिम किस तरह से स्मगलिंग 93 के पहले चलाता था इसके बारे में तो इन्हें जानकारी है ही, लेकिन उसके बाद जो दाऊद इब्राहिम ने जो स्मगलिंग के बाद छोड़ के जो आतंकवादियों पर होता है उसके बारे में उसे बहुत जानकारी होगी। अभी एजेंसीज को उन्होंने क्या के बारे में मुझे पता नहीं है जी, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि दाऊद टकला से हमें एक अच्छी कामयाबी मिली है, और हमें यहाँ तक पहुँचना है कि जिस आधार पर पाकिस्तान नकारता है कि दाऊद हमारे देश में नहीं है, उसके लिए हमें और कुछ सबूत दाऊद टकला से प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि फारूक टकला ने कई अहम जानकारियां दी हैं, उससे भी कई अहम जानकारियां दाऊद इब्राहिम के बारे में निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम को किस तरह से शिफ्ट किया जाता है तब जबकि कोई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान पाकिस्तान में आता है, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती पर क्लिफ्टन में नहीं रहता है दाऊद इब्राहिम, और उसके लिए कितना मेहनत की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, कितनी जद्दोजहद की जाती है, किस तरह से पूरा स्कीम बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, और उसके बाद दाऊद इब्राहिम को रखा जाता है खास तरह के द्वीप पर। उस द्वीप पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, पाकिस्तान किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराता है दाऊद इब्राहिम को, कैसे दाऊद इब्राहिम संपर्क में रहता है अपने लोगों के, और खास बात एक और जो हम आपको आगे बात हम करेंगे इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे कि यह द्वीप ऐसी जगह है जहां से दाऊद इब्राहिम सीधे दुबई जा सकता है, बिना पाकिस्तान जाए या कराची जाए या एयरपोर्ट जाए, सीधे वो जा सकता है दुबई तक। हम लगातार बात कर रहे हैं, बड़ा खुलासा जो हमने किया है दाऊद इब्राहिम को लेकर, उस पर दाऊद इब्राहिम को किस तरह से पाकिस्तान छिपाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान उज्जवल निकम भी बने हुए हैं। उज्जवल जी, आप हमारे साथ बने रहें, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम, क्योंकि सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान को अंडा द्वीप पर दाऊद को छिपाने की क्या जरूरत है, किसके डर से डॉन को अंडों के बीच छिपाया जाता है, दाऊद को छिपाने का खेल पाकिस्तान कब से कर रहा है और कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान का इतिहास है, और हिंदुस्तान के गुनहगारों को आस्तीन में पालना उसकी फितरत। पाकिस्तान के इन्हीं गुस्ताखियों का मोहरा है दाऊद, जो 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दुनिया के लिए भगोड़ा है। इसी भगोड़े दाऊद को कराची तो कभी कराची के पास अंडा द्वीप पर छुपाता रहता है पाकिस्तान। दरअसल तीन वजह ऐसी हैं जिससे दाऊद को छुपाना हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर एक की मजबूरी है। आतंकवाद पर दुनिया के सामने झूठ बोलना, हिंदुस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान में पनाह देना, और अंडरवर्ल्ड के दुश्मनों से दाऊद को बचाना। आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि दाऊद को क्यों बचाता है पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि पाकिस्तान में रहकर भी दाऊद पूरी तरह महफूज नहीं है। दुबई से गिरफ्तार किए गए दाऊद के गुर्गे फारूक टकला के मुताबिक पाकिस्तान में दो बार दाऊद इब्राहिम पर अटैक हो चुका है। पहली बार साल 2000 में पाकिस्तान के लोकल गैंग ने दाऊद पर अटैक किया, तो दूसरी बार 2005 में छोटा राजन गिरोह ने। दोनों बार पाकिस्तानी रेंजर्स की बदौलत दाऊद की जान बच सकी। पाकिस्तान में ISI की देखरेख में पाकिस्तानी रेंजर्स दाऊद की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा मुफ्त में नहीं मिलती। इसके बदले दाऊद से पाकिस्तानी एजेंसियां मोटा पैसा वसूलती हैं, मतलब दाऊद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड के रास्ते भी मोटी कमाई करता है। दाऊद के लिए भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा कवच में उसकी जान महफूज है। न उसे अंडरवर्ल्ड के दुश्मनों का खतरा है और न भारतीय एजेंसियों का। पाकिस्तान के सरपरस्ती में उसके जुर्म का काला साम्राज्य दुनिया के 52 देशों में चलता है, जिसमें भारत से लंदन तक और दक्षिण अफ्रीका से दुबई तक शामिल है। पाकिस्तान के रहमो करम पर उसने दुनिया भर में करीब 1,00,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इतना ही नहीं, दाऊद के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को आतंक की डोज भी देता रहता है।
चाहे हवाला कारोबार के जरिए आतंकियों की फंडिंग हो या फिर दहशतगर्दी की साजिशों को अंजाम देने के लिए बम बारूद बंदूक का इंतजाम। हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश में दाऊद का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, लेकिन हाल के बरसों में दाऊद के अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा है। जो दुबई उसके जुर्म की दुनिया का हेडक्वार्टर था, आज दुबई से दाऊद गैंग के पांव उखड़ रहे हैं। हाल ही में सिर्फ दुबई में दाऊद के 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, बल्कि उसके काले खेल का खजांची यानी फारूक टकला भी हिंदुस्तान के हत्थे चढ़ा है। इसी तरह लंदन समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी दाऊद के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में दुबई से फारूक टकला और मुंबई से दाऊद के भाई इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी भी डी कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। फिर पाकिस्तान में भी अपने खास गुर्गे छोटा शकील से दाऊद की अनबन की खबरें हैं। डी कंपनी में दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम को लेकर छोटा शकील की नाराजगी और दाऊद से झगड़ा भी पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। डी कंपनी के इस सिर फुटवल से पाकिस्तानी एजेंसियां हरकत में हैं। उन्हें डर है कि अगर दाऊद और छोटा शकील की राहें जुदा हो गईं, तो डॉन के खिलाफ भारत का एक्शन बढ़ सकता है। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान कोई चूक नहीं चाहता। पाकिस्तान की आस्तीन में डॉन भी कराची के क्लिफ्टन में ही नहीं रहता, बल्कि मौका पड़ने पर दाऊद को अंडा द्वीप के सेफ हाउस में भी पहुंचा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस तरह से दाऊद इब्राहिम की अहमियत बनी हुई है पाकिस्तान के लिए और छिपाने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ उज्ज्वल निकम बने हुए लगातार, जिनसे हम बात करें इस मुद्दे पर। उज्ज्वल निकम जी, पाकिस्तान की कई मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो लगातार दाऊद इब्राहिम को छिपाता रहा है, लेकिन क्या उसे अभी भी दाऊद इब्राहिम से उसी तरह का फायदा भी हासिल हो रहा है जैसा कि पहले से होता आ रहा था? देखिए, ये बात तो साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह को, टाइगर मेमन हो या बाकी के मेमन फैमिली के लोग, जिस तरह से उनको छिपा रहा है, इसका मतलब है कि उन लोगों का अभी भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि 93 के बॉम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम ने तो हिस्सा लिया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ बम्बई के कुछ अभियुक्तों को पाकिस्तान भेजा गया था और जो दो मुलजिमों ने जो बम्बई के कोर्ट में जो बयान दिया है, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, जिनको हमने माफ़ी का गवाह कर दिया था, उन माफ़ी का गवाह ने ये बता दिया था कि जैसे ही हम दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, उस वक्त हमारे पासपोर्ट पे कोई ठप्पा नहीं मारा था। इंटरनेशनल अधिनियमों के अनुसार अगर कोई भी एक आदमी दूसरे देश में जाता है तो उसको एयरपोर्ट पे ठप्पा लगाया जाता है। जब हमने इनके पासपोर्ट बरामद किए थे 93 के बॉम ब्लास्ट में, तब उससे यह बात जाहिर होती थी कि बम्बई से दुबई को गए, दुबई एयरपोर्ट पे उनका इमिग्रेशन का एंडोर्समेंट है, लेकिन दुबई से दुबई छोड़ने का एंडोर्समेंट है, लेकिन वापस दुबई में आने का एंडोर्समेंट है। तो दुबई से कहाँ गए थे और कहाँ से आए थे, इसका कोई एंडोर्समेंट नहीं था जी। इसका मतलब है कि ये अभियुक्त ने जिस देश में गए थे उस देश की उन्होंने आइडेंटिटी छुपाई थी, और आइडेंटिटी किसने छुपाई थी, इसका सनसनी खुलासा दो हमारे माफी के गवाह ने बम्बई के कोर्ट में किया था। उन्होंने बात यह कही थी कि जैसे हम इस्लामाबाद में उतरे, उसके बाद वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज, इमिग्रेशन अथॉरिटीज, उन्होंने हमें कोई चेक किया नहीं, फ्रिस्किंग किया नहीं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स थे जिनकी कुछ उनके तार उनसे जुड़ी थी। इसका मतलब ये है कि 93 में बॉम्बलेस में पाकिस्तान का भी सपोर्ट था जी। उसकी वजह से अगर ये नहीं हो सकता था, लेकिन जी जो हमने सबूत प्राप्त किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके दाऊद इब्राहिम ने जैसे उसका नाम आ गया 93 के मामलों में, उस वक्त से उसने दुबई छोड़ दी, पाकिस्तान में चला गया, क्लिफ्टन एरिया में कराची में रहता है। और इसी तरह में पाकिस्तान किसी भी हालत में दाऊद इब्राहिम उनकी पूरी टोली को बचाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की और पुल खोल जाएगी। जो 26/11 के आतंकी हमले में मैंने बात साबित कर दी किस तरह से पाकिस्तान से आज भी हमारे देश में आतंकवादियों को गतिविधियां दी गई, और इसलिए मुझे कहता हूं
कि पाकिस्तान की हर कोई ये कोशिश रहेगी, जिस तरह से आप बता रहे अभी चैनल पे कि उसने अंडा सेफ हाउस किस तरह से किया है, किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोई लीडर्स आते हैं, जब भारत कोई इंटरनेशनल दबाव डालता है, तब पाकिस्तान की हर कोई, आपको याद दिलाऊंगा कि आगरा समिट में जब आए थे उनके प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ, तब उसने कहा था कि दाऊद इब्राहिम हमारे कंट्री से जी, उसी वक्त जांच कुछ एजेंसीज का ऐसा कह रहा था कि दाऊद को टेम्पररी उन्होंने कहीं भगा दिया। तो ये पाकिस्तान की नाकाम कोशिश हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ये कोशिश तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीडी बख्शी जी, ये जो अंडा द्वीप है जो पाकिस्तान में जहां से छिपाया जाता है, कराची के क्लिफ्टन से निकालकर जहां पर सेफ हाउस में रखा जाता है दाऊद इब्राहिम को, यहां पर खास तरह की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है दाऊद इब्राहिम को। वहां पर कोस्ट गार्ड रहता है, वहां पर एक शिप हमेशा तैनात रहता है जो चक्कर लगाता रहता है इस द्वीप का, सैटेलाइट फोन से वो बात करता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्या भारत के शिकंजे में दाऊद इब्राहिम आ सकता है या कितनी इसकी संभावना है? ये जानकारी किस तरह से मददगार हो सकती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति है ये करने की, आप करेंगे। आफ्टर ऑल ओसामा बिन लाडेन अबाटाबाद में था, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल से 800 गज दूर, पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से 1.5 घंटे के रास्ते पे, तब भी वहां अमेरिकन ने उसे ढूंढ निकाला और उसे मार डाला। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे तो कोई समझ नहीं आता क्या वजह है कि हमने अभी तक किया क्यों नहीं है। ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो है हमारे ये एक टेनेसिटी कि वी विल ब्रिंग टू जस्टिस Those who kill Indian citizens. ये जो है ये हमारे में अभी तक ये पूर्ण रूप से हम देख नहीं पाए। अगर होती तो अभी तक आपने मार गिराया होता। जीडी बख्शी जी, लेकिन अगर ये जानकारी अब हासिल हुई है जिसमें पता लगा है कि वो एक आइलैंड पर जो कराची से लगता हुआ है, समंदर के बीचों बीच है, बड़ा अंडा जिसे अंडा द्वीप के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक सेफ हाउस है, क्या वहां पहुंचना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए या किसी और भारतीय एजेंसी के लिए पहुंचना ज्यादा आसान है बजाय कराची क्लिफ्टन में जाकर घेरने के दाऊद इब्राहिम को? देखिए, अगर वो एक इस तरह के स्पार्सली या अनइनहैबिटेड आइलैंड पे रखा गया है तो आपके सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल्स को क्या प्रॉब्लम है वहां जाके उसे उसके निस्तरा भूत कर देने का उस आइलैंड को? आप करते क्यों नहीं? इफ यू आर सीरियस यू विल डू इट। आपके पास क्या मतलब मीन नहीं है? आपके पास सुखोई 30s है, मिराजेस है, जैगुआर्स है, आपके पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स है, आपके पास निर्भय क्रूज मिसाइल्स है, आपके पास आपके नेवल वॉरशिप्स है, आपके पास क्रूज मिसाइल्स है जो जाके उस आइलैंड की धज्जी से धज्जी उड़ा सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मतलब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होना चाहिए दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी कोशिश लगातार हो रही है और अगर इच्छा शक्ति है तो पहुंच सकते हैं। हमारे साथ बिल्कुल उज्ज्वल निकम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम वापस एक बार फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर कि कैसे न्याय मिल सकता है 1993 के बम धमाकों में और इसके अलावा भी और तमाम केस जिसमें दाऊद इब्राहिम वांटेड है और भारत का तो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम। उज्ज्वल निकम जी, जीडी बख्शी जी कह रहे हैं कि अगर ये पता लग गया है हमें, हमारे पास अब ये जानकारी है जो कि फारूक टकला ने ही दी है जो खास आदमी रहा है दाऊद इब्राहिम का, कि इस अंडा द्वीप पर रखा जाता है समय समय पर दाऊद इब्राहिम को, वो कितनी मददगार हो सकती है भारत के लिए और क्या इस तरह का कोई एक्शन लेना चाहिए भारत को, या भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कोशिशें भारत करता रहा है उसी तरह की कोशिशें करनी चाहिए और उस तरह से न्याय मिल सकता है? देखिए, बख्शी साहब ने जो अभी कहा है उससे तो मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक बात हमें संभालना चाहिए कि आज आपने जो जानकारी दी वो जानकारी हमारी गवर्नमेंट को मालूमात है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। दूसरी बात जो है, आपकी जानकारी ये अहम जानकारी है और मुझे बिल्कुल आत्मविश्वास है कि हमारी एजेंसीज भी इस पर वर्कआउट करती होगी और क्या एक्शन लेना है, किस तरह से एक्शन लेना है, ये कहीं ऐसी ओपनली कहा नहीं जाता है। बिल्कुल, ये सीक्रेट मिशन रहता है, क्योंकि हम ये बात कदाई भूल नहीं सकते हैं कि आज पाकिस्तान को चीन का समर्थन है और अगर वहाँ है तो वी हैव टू गेट इट कन्फर्म फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। अगर दाऊद वहाँ है
तो अमेरिका की मदद, क्योंकि अमेरिका हैज ऑल्सो डिक्लेयर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशन का वॉर है, तो हमें तुरंत इस पे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक यूनानिटी लेनी चाहिए कि ताकि दाऊद पर इमीडिएट कोर्सिव एक्शन हो। लेकिन इस कोर्सिव एक्शन ये भी हमें देखना है कि क्या इससे वॉर हो जाएगा, अगर वॉर होता है तो हमारे क्या जिम्मेदारी, और इसलिए ये ऐसे कदम जो है ये हमें बहुत संभाल के लेना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है ताकि कोई गलती ना हो, जरूर सोचे कोई चूक ना हो। उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, जी हिंदुस्तान के संवाददाता, जी मीडिया के संवाददाता राकेश त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं जिनकी रिपोर्ट है। राकेश, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि ये जो खास जानकारी है ये सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को फारूक टकला से मिली है, और क्या कुछ जानकारी इस रिपोर्ट के बारे में आपके पास है, क्योंकि आपकी ये पूरी रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम ये कार्यक्रम में खबर दिखा रहे हैं। सुमेगा, देखिए दो बड़ी बातें हैं। सबसे पहले तो फारूक टकला ने सिर्फ ये एक खुलासा किया है कि पाकिस्तान में क्लिफ्टन कराची में जो दाऊद का बंगला है उसकी सुरक्षा पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो करते हैं, और ये पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो सिर्फ बंगले की नहीं बल्कि दाऊद और उसके फैमिली मेंबर्स की भी सुरक्षा करते हैं। जहां तक सवाल है सेफ हाउस का, तो ये खुलासा जो है फारूक टकला ने नहीं किए, जबकि ये खुलासा जो है जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें अपनी जानकारी मिली थी, और उसमें उनकी जानकारी में फारूक टकला का एक जगह पे रोल सामने आया है। वो जानकारी ये है कि जब इस सेफ हाउस से दाऊद को अगर कहीं पे एस्केप करना है तो उसका जो बैकअप प्लान है उसके मुताबिक वहां पर एक ना खुदा नाम की एक स्पीड बोट जो है वो भी तैनात रखी जाती है, और इसकी खासियत ये होती है कि इस स्पीड बोट से महज 5 से 6 घंटे में पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं वो दाऊद को इस सेफ हाउस से दुबई सिर्फ 5 से 6 घंटे में पहुंचा सकती है, जहां पर उसे रिसीव करने का जो जिम्मा है वो फारूक टकला का था, और आगे जो कुछ भी उसे दूसरी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए ये मुहैया करवाने की भी जो जिम्मेदारी है वो फारूक टकला की थी। अब ऐसे हमें ये जानकारी मिल गई है कि खुफिया एजेंसियां ये जानकारी सीबीआई के साथ शेयर करेंगी, और इसके बाद सीबीआई इस जानकारी के बेसिस पर फारूक टकला से पूछताछ करेगी और जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, इसे वेरीफाई करेगी। बहुत बहुत अहम जानकारी राकेश, आपकी बहुत अहम रिपोर्ट। उज्ज्वल निकम जी, आपने सुना कि किस तरह से इसमें फारूक टकला का रोल था, इस तरह की तैयारी की है पाकिस्तान ने, इस तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने की तैयारी पाकिस्तान की तरफ से है कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर एक स्पीड बोट तैनात है उस द्वीप पर जहां से सीधे दुबई जा सकता है दाऊद इब्राहिम, और वहां पर फारूक टकला को जिम्मेदारी दी गई थी कि रिसीव करे और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी जाए। उज्ज्वल निकम जी, जी आपका क्या सवाल है? जी उज्ज्वल निकम जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस तरह की इस तरह की तैयारी से पाकिस्तान अगर दुबई पहुंचाता है दाऊद इब्राहिम को, और ये तैयारी पाकिस्तान की तरफ से रखी गई है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि दुबई पहुंचा दिया जाए जिसके लिए जिम्मेदारी फारूक टकला को दी गई थी, तो दुबई यानी कि जाने का सिलसिला अभी भी जारी है दाऊद इब्राहिम का, और वहां पर उसका अभी भी बेस है, और भारत के लिए बहुत शायद आसान होगा जिस तरह से हमने फारूक टकला को वहां से हासिल किया है, दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसना दुबई में? मुझे नहीं लगता कि कौन सी भी हालत में दाऊद इब्राहिम दुबई जाएगा, क्योंकि अभी हमारे दुबई और यूएसए हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दाऊद टकला आज जो उसको वापस लाया गया ये हमारा यूएसए से स्ट्रांग बॉन्डिंग होने के वजह से है, और ये सरकार की ने जो कोशिश की है कि एक आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है और बाकी के फॉरेन कंट्रीज को जो एहसास दिलाए कि आतंकवादियों को अगर रोकना होगा तो हमारे देश के जो आतंकवादी है उनको किसी भी शेल्टर नहीं देना चाहिए। ठीक है, आज हमने देखा है कि दाऊद टकला हो या अबू सालेम हो, उनको हमने भारत लाने में सफलता हासिल की है। आज हमने हमारे पास चर्चा के लिए और इस कार्यक्रम के लिए समय खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन ये अहम खबर है, ये जानकारी अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जिनके सामने ये जानकारी आई है वो सीबीआई को देंगी, और फिर सीबीआई इसी के आधार पर फारूक टकला से भी जानकारी हासिल करेगी कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम को मदद मुहैया कराने के लिए साजिश रची गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और क्या जिम्मेदारी फारूक टकला को दी गई थी। ने बड़ा खुलासा आपने देखा जी हिंदुस्तान पर। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जी हिंदुस्तान, स्टेट्स मेक द नेशन।